इमोशनली इंटेलिजेंट, भावनात्मक रूप से बुद्धिमान बनो। ओहो, हृदय को और मस्तिष्क को दोनों को एक साथ जगजोड़ के रख दिया रे। भावनात्मक रूप से बुद्धिमान बनो। अब एक बात है, एक कल्चर अच्छा डल गया, आप लिखते हो अब। अच्छा, लिखते क्यों होंगे? इसके पीछे वर्षों से नहीं लिख के, वर्षों का घाटा समझ के फिर आपने देखा, और लिखने में फायदा है यार, ये बातें क्या नीचे बताने में फिर पैसा आता है, समझे ना आप? क्योंकि अगर मैंने किसी का लिखा हुआ नहीं पढ़ता भैया, तो आप तक मैं कैसे लेके आता? जीवन में एक एक शब्द आपको करोड़ों रुपया देगा फ्यूचर में, इसलिए ज्ञान को हमेशा संजो के तिजोरी में रखना चाहिए। तो चलिए पढ़ते हैं अपन लोग मिलकर, भावनात्मक रूप से। ये भावनाएं तो साथ हो, लेकिन बुद्धि कभी भ्रष्ट नहीं हो, बुद्धि का कभी मिसयूज नहीं हो। इस धरती पे एक मनुष्य ही ऐसा प्राणी है जिसको कुछ चीजें प्रकृति ने गिफ्ट के रूप में दी है, याददाश्त गिफ्ट में दी है, बुद्धि गिफ्ट में दी है, और अनुभव गिफ्ट में दिया है। ये तीन महान चीजें प्रकृति ने, अनमोल चीजें इस इंसान को दी है, और जितना तीन की वजह से खुद को लहूलुहान इस इंसान ने किया है, दुनिया में दूसरे ने नहीं किया। लोग साहब समझ गए मेरी बात को, क्या बोल गया? याददाश्त को दिया है प्रकृति ने गिफ्ट हमें, तो हमने याददाश्त काम में ली। क्या क्या बुरा हो गया था, क्या क्या लूटा हुआ था, जिंदगी खराब, इस काम में लिया है तूने? तुझे महान आशीर्वाद दिया था प्रकृति ने याददाश्त रखने का, उन यादों को तू इस काम में ले रहा है? महान आशीर्वाद दिया था अनुभव का। याददाश्त मतलब है भूतकाल जो गुजर गया, अनुभव मतलब वो जो वर्तमान चल रहा है, और भविष्य के देखने की जो बुद्धि है, वो बुद्धि को भी उल्टी उल्टी चलाता है। मैं सफल नहीं हुआ तो, लोग नहीं जुड़े तो, बने नहीं तो, प्रोडक्ट सही नहीं निकले तो, पैसा नहीं आया तो, ये ले कोई दूसरी कंपनी ले गई तो, ये कुछ हो गया तो, कोई फी पांप। बुद्धि तलवार की तरह है, खुद को ही काट रहा है। कितनी गहरी बात बता दी प्रकृति ने। महान तीन आशीर्वाद दिए मनुष्य को, और जितना नुकसान मनुष्य ने इन तीन को किया है, इन तीन की वजह से, उतना किसी और ने नहीं किया। आप देख लो, जानवरों ने कभी सुसाइड किया? धरती पे एक भी जानवर ने कभी सुसाइड नहीं किया रे। और हर रोज हजारों इंसान सुसाइड कर रहे हैं। क्यों? उस बुद्धि, उस अनुभव और उस याददाश्त से ही अपने आप को खंजर घोंप रहे हैं। क्यों? ये तो महान बनने के रास्ते में बहुत बड़े साधन थे, नहीं किया। आज आपकी जिंदगी में नया उजाला आएगा। भावनात्मक रूप से बुद्धिमान बनने के लिए क्या सिद्धांत हैं? इमोशनली इंटेलिजेंट होने के क्या सिद्धांत हैं? पहला सिद्धांत, आज दौलत का सबसे बड़ा स्रोत आपके कानों के बीच में है। जल्दी लिखो, और बहुत साफ सुथरी राइटिंग में लिखने की जरूरत नहीं है, वो तो घर जाके आप कर लिया करो, यहां तो बिल्कुल धड़ ऐसे चला करो। अब एक बार पढ़ेंगे, पढ़ने के लिए मुझे आपके हाथों का सहारा चाहिए, दोनों हाथ फ्री। आज दौलत का सबसे बड़ा स्रोत मेरे कानों के बीच में है, ये बात मैंने अब तक नहीं जानी थी। दौलत का महान साम्राज्य जहां पर आविर्भाव होता है, वो मैं मेरे कानों के बीच में लेके बैठा हूं, वर्षों से लेके बैठा हूं। धिक्कार है मुझ पे कि मैं दौलत का खजाना कहीं दूसरी तरफ ढूंढ रहा हूं, ये तो मेरे कानों के बीच में है। इतिश्री लिखते थे ना अपन मैथमेटिक्स में, वो करके इति सिद्धम। कुछ समझ में आया? इस विश्व में जितने लोग दौलतवान बने हैं, इस हिस्से को इस्तेमाल करने से बने। इससे पैदा होने वाली वाइब्रेशन से गर्मी में सर्दी से मर जाता है आदमी, इससे पैदा होने वाली वाइब्रेशन से -40 डिग्री में लद्दाख में रहने वाला एक साधु पसीने छोड़ देता है बॉडी से। एक बौद्ध भिक्षु, -40 डिग्री लद्दाख में रहने वाला आदमी जो -40 डिग्री में बॉडी से पसीना फेंक देता है, किस बिहाब पे? कानों के बीच में जो ये सोर्स है, ये महान सोर्स है
जो आपकी जिंदगी में आपके पास वर्षों से था, है और रहेगा, लेकिन क्या इस्तेमाल करना है यह पता नहीं था, यह पता नहीं था। भारत में वर्षों तक हमारा कचरा जितना देश में होता था, उस कचरे से दुखी थे, और अब कचरा देखने से नहीं मिल रहा। पता है क्यों? क्योंकि कचरे को रिसाइकिल करने से 40 से ज्यादा प्रोडक्ट का निर्माण हो रहा है। कचरे से 40 से ज्यादा चीजें बन रही है। और अब तो चाइना इस हद तक चला गया कि न सरकारी गैस, न कोई प्राइवेट गैस, कुछ नहीं, तुम्हारे घर में जितना कचरा हो रहा है ना डेली, उससे ही डेली बायोगैस बन जाएगी, इतनी कि तुम्हें घर का रसोई चलाने के लिए बाहर का ईंधन लेने की जरूरत ही नहीं है। जो कचरा कल इकट्ठा हुआ था उसको आज आप डाल दो, आपको दूसरे दिन जो गैस मिलेगी बायोगैस, वो आपका पूरा ईंधन चला देगी। क्या कह गया? दुनिया में इस सोर्स ने इतनी विकसित कर लिया अपने आप को। हमें अगर दौलत चाहिए, अगर हमें दौलत का चुंबक बनना है, हमें इस सोर्स को थोड़ा सीखना होगा। ये काम कैसे करता है, इसकी वाइब्रेशन क्या रियल में इफेक्ट करती है क्या? मैंने आपको दो तीन एग्जांपल दिए। -40 डिग्री में बॉडी पसीना फेंक सकती है क्या? बिना मेहनत करे बात कर रहा हूँ, सिर्फ बैठ कर साधना में अगर -40 डिग्री में ये शरीर पसीना फेंक रहा है, इन कानों के बीच में कोई महान यंत्र ऐसा है जो ऊर्जा का बहुत बड़ा पिंड है, ये हिला सकता है दुनिया को, ये हिला सकता है दौलत को, लेकिन ये लोगों की बुराइयां करने में लगा हुआ है। ये किस किस का कहां कहां क्या क्या हो चुका इसमें लगा हुआ है, कितनी अमीरी आई, कितनी गरीबी आई, कितनी कितने लोन हुए, कितने कर्जे हुए, कितनी बर्बादियां हुई, इसमें लगा हुआ है। अरे ये महान चिंतामणि रत्न जो है ना, ये कपड़े धोने में लगा हुआ है, ये जिंदगी की उन ऊर्जा में लगा हुआ है जो कोई और भी कर सकता है, लेकिन ये आपके कानों के बीच का महान यंत्र, ये भावनात्मक बुद्धि, ये इतनी बड़ी वाइब्रेशन फेंक सकती है कि आप अपनी जिंदगी में जो चाहो वो सब मिल सकता है। क्योंकि एक सिद्धांत है जो यहां लिखा हुआ नहीं है, मैं मेरे को याद आ गया, वो बता रहा हूं आपको। ये कायनात आपको वही सोचने के लिए, आपको वही सोच पैदा कर सकती है जो आप पूरा कर सकते हो, नहीं तो वो सोच आ ही नहीं सकती जो आप पूरा नहीं कर सकते हो। बस ये पता नहीं है कि करने के लिए तैयारी कितनी करनी चाहिए। मेरी बात का मतलब समझिए, आपने कहा मैं यहां से लेकर वहां तक उड़ के चला जाऊं, ये आया ही तब है जब आप जा सकते हो, क्योंकि ये नहीं आता तो हवाई जहाज कभी नहीं बनता। मतलब महान आशीर्वाद है प्रकृति का कि इंसान जो सोच सकता है वो ही सोच सकता है, जो इंसान कर सकता है बिना होने वाली चीज ये सोच ही नहीं सकता। आज आपको पता चलेगा, अरे मतलब आज तक जो सोचा वो सब हो सकता था, हो सकता था, लेकिन कानों के बीच में लेके घूम रहे हैं। काय में जा रही है एनर्जी, काय में जा रही है एनर्जी, या तो घटनाओं की बातें करने में, या लोगों की बातें करने में, या इधर उधर की जिंदगी की ऊर्जा इधर उधर ही खर्च हो रही है। अगर ये ऊर्जा दौलत के ऊपर लग जाए, कसम पैदा करने वाले की, दौलत को बनना ही होगा, दौलत बनेगी, और आपके पास दुनिया का सबसे अच्छा सोर्स है, जनरेटर, जो दौलत को बनाने के लिए डेली कोई ना कोई काम कर सकता है, रात और दिन 24 घंटे काम कर सकता है।